प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। बजट सत्र के पहले ही दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विधायकों और विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान, नौजवान और व्यापार के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए जातीय जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वह इस प्रदेश के हैं ही नहीं, वह तो बाहरी हैं। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप खुद ही सुनिए। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देशी जनता जाति गणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। सड़क पर देखिए, सब सूख गया, सब खत्म हो गया, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। तो ये सरकार दोनों मिलकर के किसान, नौजवान और व्यापार को बर्बाद करने पे लगी है। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है, सरकार मानस को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आज प्रदर्शन करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी, जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। रामचरितमानस को लेकर ये मुख्यमंत्री जी दूसरे प्रदेश से आए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश की जाति जनगणना से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश की जनता और देशी जनता जाति गणना चाहती है। जाति जनगणना हो तभी हक सम्मान मिल पाएगा, नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो सपने थे वो वैसे ही अधूरे रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से कहा कि रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को अभी प्रतिबंधित कर दिया जाए। आप रामचरितमानस को प्रतिबंधित करने के लिए फिर कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, क्या चीज? रामचरितमानस को लेकर के आज स्वामी सदन में, सदन Oh!